आप नए मंसूबे पर फिर काम कर रहे हैं, किस तरह काम करेगा? 950 के करीब डल और निगी झीलों में हाउस बोट है, क्या ये क्लस्टर लेवल पे ही सबों को जोड़ा जा रहा है? इस मंसूबे को अमल आने से पहले तजुर्बा किया गया है? इतना डल अभी तक साफ हुआ है क्योंकि कई वर्षों से काम जारी है, सफाई क्या जरूरत? डल और निगीन झीलों को तहफ़ फरहम करने के लिए लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी हाउस बोटों को तैरते सिवरेज सिस्टम से जोड़ने जा रहा है। इस मंसूबे पर शद्दोमत से काम जारी है इस वक्त और ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। अगरचे इससे कबल भी लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डल को तहफ़ फराहम करने के लिए कई मंसूबे अमलाए हैं, लेकिन वो कारगर और मौसर साबित नहीं हुए। ऐसे में यह नया मंसूबा कितना कारगर और मौसर साबित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट साहब। खुश आमदीद है आपका ईटी विभाग में। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं और आपकी जानिब से जो हाउस बोट है डल और निगीन झीलों में, उनको तैरते सिवरेज सिस्टम से जोड़ा जा रहा, ये सिवरेज सिस्टम है क्या और किस तरह अब ये नया मंसूबा कारगर साबित हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने भी फरमाया कि कहीं सारे मंसूबे इससे पहले भी ट्राई किए गए थे जिनमें जो सिवरेज या फजला जो हाउस बोट से निकलता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, की गई थी, जिसमें से ख़ास तौर पे एक बायोडाइजेस्टर्स को नस्ब करने का हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, बट उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, लूप होल्स थे। तो उसके बाद बेस्ड ऑन एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम फ्लोटिंग टाइप जो पाइप्स हैं सिवरेज सिस्टम से ले करके जिसको जो हम ऑलरेडी हमारी एसटीपीज़ हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। इस हवाले से पिछले साल हमने निगीन जो हमारा लेक है उसमें तकरीबन जो वेस्टर्न शोर साहिल पे हमारे हाउस बोट्स थे 84 के करीब, उनको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारे डल झील में जो हाउस बोट्स हैं उन पे भी इस साल के जून में काम शुरू हो गया और हम उम्मीद है कि अक्टूबर के एंड तक ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा और जो भी फजला जो भी सिवरेज डल में हाउस बोट से डायरेक्टली जाता था उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। ये किस तरह काम करेगा? देखिए, ये एक सिंपल मेथड है कि जैसे हम मैदानी एरियाज़ में जहाँ ज़मीन होती है वहाँ पे जो ड्रेन ये सिवरेज सिस्टम होता है उनमें पाइप्स डालते हैं, उसके थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको किया गया है कि हम यहाँ पे एचडीपी पाइप्स है जो फ्लोटिंग टाइप की लगाई गई है, पानी की सतह पे रहेंगी मैक्सिमम पानी की सतह पे रहेंगी और जो ये प्रॉपरली डिज़ाइन सिस्टम है। अब जैसे हमने जो तकरीबन जितने भी हमारे डल में हाउस बोट्स का मैं एग्जांपल लेते हुए बताता हूँ कि उसमें हमने इनको क्लस्टर वाइज बाइफरकेट किया है। डल में हमने 11 क्लस्टर ऑफ हाउस बोट्स हैं जिनमें तकरीबन एवरेज 20 से लेकर 70 हाउस बोट्स हैं। एक क्लस्टर में हमने एक सम्प जो है अप्रोप्रिएट लोकेशन पर बना के जो भी फ्लोटिंग टाइप नेटवर्क उसके इर्द गिर्द बनेगा वो सम्प में डिस्चार्ज होगा और सम्प से हम राइजिंग मेन लेक बेड के थ्रू हम जो एसटीपी ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका सिवरेज नेटवर्क ऑलरेडी लेड है उनसे कनेक्ट करेंगे और हम पूर्व उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहेगा हाउस बोट के रिगार्डिंग। हाँ, तो वो कंट्रोल करने में हम कामयाब रहेंगे। डॉक्टर साहब, 950 के करीब डल और निगीन झीलों में हाउस बोट हैं, क्या ये क्लस्टर लेवल पे ही सबों को जोड़ा जा रहा है? ये हम क्लस्टर वाइज हमने बाइफरकेट किया है बट काम सब पे पैरेलली चल रहा है। निगीन में भी जो ईस्टर्न शोर है उस पर भी शादोमत से काम जारी है, जो हमारे डल के भी हाउस बोट्स हैं उनमें भी जारी है और मैं मुझे लगता है 3-4 हफ्तों में हम ये पूरा फाइनलाइज प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, क्या इस मंसूबे को अमल आने से पहले तजुर्बा किया गया है? जी, हमने पायलट बेसिस पे पहले एक क्लस्टर कर लिया तो उसमें जो कुछ खामियां थी वो करेक्ट करके और प्रॉपरली, ये प्रॉपरली डिज़ाइन सिस्टम है, इसमें थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है और जो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो भी जो वेंडर है वो वही कर रहा है। आप भी दावा करते हैं कि ये कामयाब मंसूबा होगा और डल को तहफ़ ज़रूर फराहम हो गया, लेकिन इससे कबल भी कई मंसूबे अमल आए गए लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए, तो अब
ये उम्मीद कैसी है? देखिए वो थोड़ा डिफरेंट टाइप, जैसे बायोडाइजेस्ट का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें एक हल बेस्ड बायोडाइजेस्टर्स या फ्लोटिंग टाइप के बायोडाइजेस्ट लगाए गए, उनमें जो एफ्लुएंट पैरामीटर्स हैं वो मीट नहीं हुए हैं एनजीटी नॉर्म से, बट इसमें वो इशू नहीं है। इसमें सिंपल आप एक सैंप हम बना रहे हैं जिसका डिस्चार्ज हम डल में नहीं डाल रहे हैं, डिस्चार्ज हम जो जो राइजिंग मेन लगेगी वो हमें कनेक्ट करेगी, जो सीवरेज लाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो उसमें जाएगा। जैसे खास तौर पे ब्रारी नंबल का हमारा एसटीपी है जो लगा हुआ है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और या नगीन के जो है वो नाला आमिर खान से कनेक्ट हो पाए। हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो फुली फंक्शनल है, और इसमें कोई हमें ज़रा भर की ये क्या बोलते हैं हमें कोताही नहीं रहेगी। हम पुरउम्मीद हैं कि ये पूरी तौर से सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डल के आसपास मैन्युअली और मशीनों के जरिए सफाई अमल में लाई जा रही है, कितना डल अभी तक साफ़ हुआ है, क्योंकि कई बरसों से काम जारी है सफाई के एतबार से? देखिए ये एक थोड़ा हमें इसमें पर्सपेक्टिव ऐसा लेना पड़ेगा कि एक्चुअली जो इसका जिसको हम क्लीननेस नॉर्मल लोग इस्तेलाह में लेते हैं वो ये है कि इसमें जो वीड्स का जिक्र होता है ये मैक्रोफाइट्स इसका पार्ट है। इसमें एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ हमें मैक्रोफाइट्स इसमें रखने पड़ते हैं, 30-40% ही हम बाहर इसमें ये हार्वेस्ट कर निकालना पड़ता है, तो वो रखना पड़ता है, और ये मेंटेनेंस टाइप नेटवर्क में जॉब है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक साल आपने कर दिया दूसरे साल नहीं करना पड़ेगा, जैसे सफाई साफ़ सुथराई बाकी जगह भी होती है वैसे ही है। बट इसके अलावा जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज की गई है या की जा रही है उनसे डल का तहफ़ इंश्योर किया जा रहा है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, दो चीज़ें खास तौर पे तहफ़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक हमारा सिल्ट लोड जो डल पे आता है और जिसमें जो हमारा कैचमेंट है तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर्स का, वो सिल्ट लोड को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा सीवरेज, अगर पोटेंशियल सीवरेज जितना जा सकता है डल में उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी सारे इकदाम किए गए हैं। मैं सिल्ट की बात कर रहा हूँ, हमारा जो तेलबल नाला है जो मेन कैचमेंट से ये जो हमारा आता है जिसमें तकरीबन 80% वाटर बजट हमारा उसी से मीट होता है, उसको हमने जो माउथ ऑफ द तेलबल नाला है उसमें सेटलिंग बेसन को रिवाइव और फंक्शनल किया है। तकरीबन 1.5 लाख क्यूम्स ऑफ सिल्ट हमने डिसिल्टेशन के द्वारा हमने ऑक्सिलरी बेसन में डिस्चार्ज की है। तो एक तो वो कंट्रोल हो गया, दूसरा सीवरेज के हवाले से जो तकरीबन डल पे पोटेंशियल लोड 48 MLDs का है उसमें 5 STPs ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 36 MLD के। बाकी जो गैप्स है, जैसे 3 खास तौर पे गैप्स है, एक हाउस बोट्स का वो हवा में कवर कर रहे हैं, दूसरा हमारा गैप कुछ कैचमेंट एरिया का 8-10 MLD का, उसमें हमने इस साल जो हमारा नॉर्दर्न ये NFR है उसके मुतसिल में राइट साइड में उसमें हमारे डिटेंशन पॉइंट्स को रिवाइव किया गया है, और कैचमेंट से अब बिल्कुल कोई भी ऐसा डिस्चार्ज नहीं है खास सीवरेज के हवाले से जो डायरेक्टली डल में पोटेंशियली जा सकता है। वो पहले डिटेंशन पॉइंट्स में जाता है, वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट्स और ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है और डायरेक्टली नहीं जाता है। तीसरा एक गैप है जो हमारा हैमलेट्स का है, उसमें भी हमारा PMDP के तहत एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनको कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा काम जो मॉडल हैमलेट्स का 5-6 हैमलेट्स में चल रहा है, उसमें हम एक मॉडल बना रहे हैं जहाँ पे जो फजला जो डायरेक्टली हैमलेट्स में जो लोग रहते हैं तकरीबन 5-6 हज़ार फैमिलीज़ उनका जाने का पोटेंशियल रहता है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी शिकायत करते हैं कि डल की जो सफाई सुथराई अमल में लाई जा रही है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं या VIP का आना जाना रहता है, अंदरून डल बिल्कुल गंदा है, वहाँ सफाई का फुकदान पाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले एक्चुअली अंदरून डल में पिछले साल हमने काफ़ी मास स्केल पे ये ड्रेजिंग की है, वहाँ पे ड्रेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ड्रेजिंग हम समर मंथ्स में नहीं कर पाते हैं। इसमें साइंटिफिक एडवाइस है जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी लो होती है तो विंटर में ही होती है, अक्टूबर से तो अक्टूबर नवंबर में वो हम इंटरनल डल पे फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ डिसिल्टेशन का ज़्यादा फोकस रहता है। और पिछले साल हमने तकरीबन 20 चैनल्स रिवाइव कर ली जो काफ़ी सारे सालों से बंद हो गई थी। थोड़ा कुछ इश्यूज कहीं पे अजोला हमें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जो उसकी जो मकदार है वो बढ़ गई थी, बट हम कमिटेड है कि जितना भी डल का पोर्शन है चाहे वो अंदरून डल हो चाहे वो ये डल हो, हम अभी बड़े डल में बैठे हैं तकरीबन 1100 स्क्वायर किलोमीटर का यही एरिया है या बाकी बोट डल है, हर एक डल का जो पोर्शन है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये एक इकोसिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन हम साफ करेंगे दूसरा
ऑफ वो इम्पैक्ट, हाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है, अगर एक जगह वाटर क्वालिटी ख़राब है तो दूसरी जगह का इम्पैक्ट पड़ता है। बट तो हम इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। हाँ, तो मेंटेन हम उसी सतह पे कर रहे हैं जो मैंने आपको इंटरवेंशन स्टडीज बताई, एक डिवीडिंग के हवाले से या डिसल्टेशन के हवाले से या सीवरेज नेटवर्क को कनेक्ट करने के हवाले से या ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। वी हैव टू कीप आवर मशीन्स एंड लेबर इन अ स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑलरेडी एट ऑल टाइम्स, तो वो हम कोशिश करते हैं। और अंदरून डल में भी अगर हमें कहीं लगता है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ भी हम मोबिलाइज कर लेते हैं, मशीन्स को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को मोबिलाइज कर लेते हैं। ये बताइए कि गुज़श्ते कई बरसों से डल में सफाई सुथराई अमल में लाई जा रही है, अगर पिछले साल का मवाजना किया जाए तो कितना साफ डल हुआ है अभी तक? देखिए, मैं दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब एक पैरामीटर्स हमें देते हैं कि डल कितना साफ है। एक हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर रहता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें हम पीसीबी के द्वारा हमारी अपनी भी लैब है उससे वाटर एनालिसिस कराते हैं, जो खास तौर पे उन जगह का जहाँ हाई टूरिस्ट फुटफॉल हो, तकरीबन 12 से 17 जगह पे वो हम रैंडमली करते हैं, हर महीने कर लेते हैं, और उसको हम प्रॉपरली डिस्प्ले कर लेते हैं। वो 5-6 जगह हमने डिस्प्ले किया हुआ है, हमारी वेबसाइट्स वगैरह पे भी डिस्प्ले करने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को वो अंडरस्टैंड हो कि डल की क्वालिटी क्या है। उस हवाले से मैं ये बताऊँ कि तकरीबन 50% ऑफ द जो डल है, इनफैक्ट जो ये हाई टूरिस्ट फुटफॉल एरियाज़ भी है, मैं उनके कॉन्टेक्स में कहता हूँ कि उसमें बी क्लास वाटर है, वो एज़ गुड एज़ बेदिंग क्वालिटी का होता है। उसके अलावा भी जो बाकी 50% है उसमें 2-3 जो हमारे पॉइंट्स है, स्टेकिंग पॉइंट्स, वो हमारे अंदरून डल के हैं जो कुनखन वगैरह एरिया है, बट वहाँ सीवरेज नेटवर्क ले हो रहा है या हाउस बोट्स का कुछ एरिया है वहाँ पे है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि अगले चंद एक दो साल में जो डल की जो 100% वाटर क्वालिटी एटलीस्ट बी क्लास पे आ जाए, फिर उसके बाद और इंटरवेंशन स्टडीज जो हम पैरेलली कर रहे हैं उनसे भी वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और पिछले कहीं दहाइयों में जो डल का एरिया है जिसमें हम इमरजेंट वेजिटेशन काफ़ी सारी हो गई थी, उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में काफ़ी सारा वॉलंटियरिज्म वगैरह श्रमदान प्रोजेक्ट्स में लोगों को इन्वॉल्व किया है, और मैं पुरुमीद हूँ लोगों की कोऑपरेशन की वजह से या बाकी सारी जो हमारे जो जी शोर लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, हम डल को बचाने में कामयाब रहे। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका नया मंसूबा है डल को तहफ़ फराम करने के लिए वो बेहतर और कारगर साबित हो। आपने ईटीवी भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।